क्लास है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बेटे मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, है ना, 21 टेस्ट नंबर का 21वां टेस्ट जो आपका हुआ 29 को, है ना, उसका 1 to 30। बेटा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका है कि कितना एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा एक सैटेलाइट को जिसका मास एम है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम, टू ट्रांसफर इट फ्रॉम ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर वन टू अनदर रेडियस ऑफ आर टू। बेटा सैटेलाइट प्लेनेट सिस्टम की एनर्जी जो देते हैं वह देते हैं क्या, माइनस जीएमएम बाई 2RC, जहां आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कर रहे हो। तुमको एक सर कितना एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा, तो जस्ट डेल्टा ई कर देंगे E2 - E1। आपको एक सर क्या हो जाएगा E2 - E1, है ना, ये वाला हमारा R2 वाला हो जाएगा निगेटिव में और R1 वाला हो जाएगा पॉजिटिव में, या निगेटिव साइन लगा हुआ है। सो एंसर बेटा आपका क्या होगा, सी। बेटे दूसरे नंबर क्वेश्चन में चार मास दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। तुमको एक सर सेंटर पर जानना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा √2L, इसका आधा होगा सर L/√2। सर एक सिंगल मास के चलते हम कहते हैं -gm/r, तो यहां चार मास है सर, पोटेंशियल हमारा स्केलर है, तो 4 × gm/r होगा सर, r होगा हमारा L/√2। L/√2 √2 ऊपर चला गया, यह हो गया -4√2 gm/l। बेटा इस 4 को इस रूट के अंदर ले जाएंगे तो 16 लिखना पड़ेगा, -32 gm/l। सो आंसर इज ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कहता है टू व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ सी शुड ए रबर बॉल बी टेकन, है ना, टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 0.1%। बेटा डिक्रीज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब -ΔVB/100 दिया हुआ है 0.1%। आप कहोगे सर -ΔVB क्या हो जाएगा, तो ये 100 नीचे जाएगा, ये हो गया 10⁻³। तो बल्क मॉडुलस कहते हैं किसको सर, तो ΔPY ΔVB को। सर डेल्टा पी कहेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा हमारा रो जी एच के बराबर, है ना, तो एच मिलेगा सर B·ΔVB/ρg। सर बी दिया हुआ है दिस मच, ये हम कैलकुलेट किए दिस मच, रो दिया हुआ है 10³, जी हम ले लिए सर 10, ये आया हमारा 90 मीटर। बेटे अगला क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है चार नंबर में कि एक बॉल को बहुत बड़े हाइट से गिराया गया एक पानी के अंदर, है ना, तो कहे कि सर बॉल को अगर हम गिराएंगे, है ना, तो पहले वह एक्वायर करेगा सरफेस पर आने के बाद कुछ वेलोसिटी, तो T = 0 पर आपको कि सर सर्टेन वेलोसिटी उसके पास होगा, है ना, उसके बाद वेलोसिटी सर विस्कस फोर्स भी लगेगा, बायंट फोर्स भी लगेगा, है ना, अपोज करना शुरू कर देगा सर, पहले mg ही लग रहा था, वेलोसिटी घटेगा सर, फिर आकर के वह टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त करेगा सर। सो एंसर विल बी सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कहता है होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L LH/2 दिया हुआ है बेटा, है ना, आधा डूबा हुआ है इसमें, आधा इसमें ये किया हुआ है, और एरिया आपका ले लिया है A/5। आप ए भी लोगे तो भी आंसर वही होगा, क्योंकि एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना, जस्ट केवल वेट mg को रिजल्टेंट बायंट फोर्स से के बराबर कर दो आप। आपको कि सर दोनों लिक्विड में हम लेंगे, लिक्विड का डेंसिटी आपका दिया हुआ है D आपको लेना है, है ना, तो बेटा वेट mg क्या कहेंगे, तो वेट mg होगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सर इसको बैलेंस करना चाहिए बायंट फोर्स दोनों लिक्विड में, तो एक में आपका लेंथ दिया हुआ है बेटा 3L/4, तो आप कहोगे एरिया इंटू वॉल्यूम हमारा हो गया सर 3L/4 लेंथ, एरिया इंटू लेंथ हमारा हो गया वॉल्यूम सर, रो एल वीजी के रूप में लेंगे सर, डेंसिटी दे रहे हो आप डी इंटू जी, प्लस होना चाहिए सर दोनों लिक्विड का लेंगे बेटा, कहेंगे A/5 इंटू आपका हो गया सर L/4 इंटू दूसरा का डेंसिटी दे रहा है आपका 2D इंटू जी, सॉल्व कर देंगे बेटा, है ना, तुम कहोगे सर इस डी को आप लिखोगे क्या, इस डी को भी लिखोगे आप A/5 × L, है ना, इंटू डी इंटू जी बराबर हो जाएगा सर। सर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा सर A L D G
बाई फोर, समझ रहे हो? ये तीन और दो पांच, पांच पांच हमारा कैंसिल हो जाएगा, फोर मिलेगा आपको। एक सर एल जी कैंसिल कर दो, सो डी क्या हो गया बेटा, तो फाइव बाई फोर डी सर, सो आंसर विल बी ए। बेटे क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर फाइव था, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको एक सर कता है कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वन मीटर क्यू डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट्स बाय ए पार्टीशन, वन ऑफ दीज कंपार्टमेंट इज वैक्यूम, टेम्परेचर इतना 300 केल्विन, होल सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, पार्टीशन इज रिमूव, पार्टीशन को हटा दिए, तो पार्टीशन हटा दिए बेटा, तो यह हो गया फ्री एक्सपेंशन, है ना। और आप कहोगे कि सर एक्सपेंशन फ्री है, तो फ्री एक्सपेंशन में हमने पढ़ाया डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा क्यू भी जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो होगा फ्री एक्सपेंशन केस में। जब डेल्टा क्यू जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा, तो डेल्टा यू जीरो होगा। डेल्टा यू जीरो का मतलब हो गया सर डेल्टा टी का जीरो होना, और डेल्टा टी जीरो होने का मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा सर। सो पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो अब भी टेम्परेचर होगा बेटा क्या, 300 केल्विन, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन, बड़ा एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारा, सात नंबर में ग्राफ आपका P वर्सेस B का डायग्राम है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ये C है, A है, प्रोसेस C टू A है बेटा, A है हमारा B, है ना। यहां पर वॉल्यूम आप कह रहे हो टू वी नॉट है, यहां पर वॉल्यूम कह रहे हो आप वी नॉट है सर, यहां प्रेशर P नॉट है, यहां प्रेशर जो है 3P0 है, और ये सर कहता है इंटरनल एनर्जी है ना डिक्रीजेस इन प्रोसेस सी टू ए, सी टू ए में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है बेटा। तो आपको एक सर डेल्टा यू सी ए अगर आप लिखते हो तो यह दिया हुआ है -3P0V0/2, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 3P0V0/2, तो डिक्रीज है तो हम माइनस लिखेंगे। बोल डेल्टा डब्ल्यू सी ए अगर तुमको पूछे तो क्या कहोगे, वर्क सी ए प्रोसेस में सी टू ए में क्या होगा, तो सर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में सीधे कहेंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर है सर हमारा कितना, तो पी नॉट, वॉल्यूम चेंज किया कितना बेटा 2V0 - V0 सर, कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आपने दे दिया सर, यह मिला हमारा -P0 × V0 सर। तो डेल्टा क्यू सी ए क्या होगा, तो डेल्टा क्यू सी ए होगा सर डब्ल्यू सी ए प्लस यू सी ए, मतलब -3P0V0/2, -P0V0, तो बेटा डेढ़ और एक कितना आ जाएगा, अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब क्या -5/2P0V0 सर, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट, ये क्वेश्चन नंबर सेवन था, क्वेश्चन नंबर एट सब सिंपल क्वेश्चन है, सर दो मोल ऑफ डायटोमिक गैस एंड वन मोल ऑफ मोनोएटोमिक गैस आर मिक्स्ड, देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, बेटे सीवी आपको पढ़ाया है FR/2, आपको अगर मोनोएटोमिक के लिए सर 3 होगा, डायटोमिक के लिए 5 होगा सर, डेंसिटी ऑफ ये सॉरी सीवी ऑफ मिक्सचर आपने हमको पढ़ाया है ना, या आपने पढ़ा क्या बेटा N1 CV1
प्लस एन टू सी वी टू बाई एन वन प्लस एन टू। अब देख पहले दिया हुआ है तुम्हारा क्या, एन वन है दो मोल है ना, और दो मोल है तुम्हारा डाई एटोमिक, तो क्या कहेगा दो गुने फाइव आर वाई टू हो जाएगा सर, डाई एटोमिक है। प्लस एन टू, एन टू कह रहे हो सर वन मोल है, तो वन इंटू सी बी वन क्या कहेगा, तो मोनो एटोमिक है सर, तो यह हो गया थ्री आर वाई टू बाई एन वन प्लस एन टू, कितना हो गया थ्री हो गया सर, सर यह हो गया पांच दुना दस तीन तेरह बटा छ सर, तेरह आर बाई सिक्स। सर सीपी मिक्स क्या होना चाहिए, तो सीपी मिक्स होना चाहिए सर हमारा आर माइनस सीबी मिक्स, मतलब यह होना चाहिए सर है ना आर, सॉरी आर प्लस सीबी मिक्स, क्योंकि सीपी माइनस सीबी होता है क्या बेटा आर, आपको कि सर आर प्लस सीबी मिक्स करते हो आप, तो यह हो गया तेरह आर वाई सिक्स, तेरह और छ कितना हो जाएगा नाइनटीन आर वाई सिक्स। आप रेशियो पूछ रहे हो सर, गामा पूछ रहे हो, तो गामा मिक्स क्या कहेंगे, तो उन्नीस बाई क्या हो जाएगा बेटा थर्टीन, ठीक है, तो नाइनटीन बाई थर्टीन योर आंसर इज सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन, बड़ा तीन ग्राफ दिया हुआ है, एक दो तीन, पाला ग्राफ ऐसे है, ये पाला नंबर ग्राफ, ये दूसरा नंबर ग्राफ और ये तीसरा नंबर ग्राफ। इस पर प्रेशर है, इस पर आपका क्या है बेटा वॉल्यूम है, यहां टू बी नॉट है, यहां तुम्हारा बी नॉट बेटे। आप कहोगे कि सर इस ग्राफ को देख करके ही हमें सारी बात को समझ में आ जाती है सर, यहां पर इस बी नॉट पर टेम्परेचर सेम होगा, टी वन बराबर टी टू बराबर टी थ्री कहेंगे इस बी नॉट पर, लेकिन टू बी नॉट पर हम कहेंगे बेटा यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा ग्राफ वन का, ग्राफ टू का कम होगा और ग्राफ थ्री का सबसे कम होगा। एट टू बी नॉट टी वन इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन कहोगे टी थ्री, एंड एट बी नॉट T कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो बेटे आप जानते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं, तो क्या कहोगे सर डेल्टा U1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T का, तो डेल्टा U1 बड़ा हो जाएगा किसका से, डेल्टा U2 से, बड़ा हो जाएगा डेल्टा U3 से, तो कौन है A में ही है ना, तो आप कहोगे डेल्टा यू वन इज ग्रेटर देन डेल्टा यू टू इज ग्रेटर देन डेल्टा यू थ्री, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टेन, कहता है 12 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाई ए वॉल्यूम ऑफ इतना, तो बेटा एट टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, डेंसिटी बिकम्स इतना, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ विच गैस है ना वाज हीटेड, जो लिखा हुआ है भाई, तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो रोटी कांस्टेंट, डेंसिटी इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट प्रेशर पसल पर। तुम कहोगे कि सर इसका मतलब रो वन इंटू टी वन बराबर होना चाहिए रो टू इंटू टी टू। सर रो वन हमारा निकाल ले सकते हैं सर 12 ग्राम है ना, तो डेंसिटी कहते हैं बेटा मास बाई वॉल्यूम, मास भी दिया हुआ है, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 4 × 10⁻³। ये ग्राम में लिए हैं बेटा, और ये मीटर क्यूब में है, तो बोल सेंटीमीटर क्यूब में हम लिख देना चाहें तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ cm³ × T1 7 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 + 7 कितना हो गया 280। अब कहता है डेंसिटी हो जाए 6 × 10⁻⁴ ग्राम पर सीसी × T2 निकालना है तुमको, ग्राम पर सीसी ग्राम पर सीसी कैंसिल, के ये हो गया केल्विन में है ना, 4 × 3 = 12 सर यह हो गया 30 × 10⁻⁴ बराबर कर रहे हो सर 6 × 280 = 6 × 10⁻⁴ × T2 10⁻⁴ कैंसिल, यू कैन कैलकुलेट T2 30 × 280 बाई 6 6 × 5 = 30 है ना, 28 × 5 = 140 सो यह हो गया सर 1400 केल्विन। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू 11 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन सिंपल है, कहते हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, गामा दिया हुआ है बेटा 5 × 10⁻⁴ है ना केल्विन इनवर्स। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बताता है तुमको फॉर राइज ऑफ टेम्परेचर 40 °C डेल्टा थीटा दिया हुआ है 40 °C। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी सर, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी आपने पढ़ाया हमको गामा डेल्टा थीटा होता है सर, गामा है 5 × 10⁻⁴ × 40 बढ़ाया हो गया क्या तो 0.02 सर, सो आंसर इज सी। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सर कार्नोट इंजन है बेटा, तो इफिशियंसी जैसे ही कार्नोट इंजन आया हमारे दिमाग में आ गया इसका इफिशियंसी, इफिशियंसी कहते हैं 1 − T2 / T1। अब आपका दिया हुआ इफिशियंसी दिया हुआ बेटा 40% है ना, इट टेक्स इट इज सोर्स ऑफ मेंटेनेंस टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, T1 दिया हुआ है 500 केल्विन, तो सबसे पहले हम 40% है तो 40/100 हो गया, तो 40/100 बराबर हम कर लिए 1 − T2 / T1 दिया हुआ है 500 केल्विन। तो कहोगे कि सर 0 0 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 सर T2/500 बराबर हो गया सर कितना, तो 1 में से 2/5 घटा दो सर तो ये हो जाएगा कितना बेटा 3/5 मतलब T2 मिल गया सर 300 केल्विन। अब इफिशियंसी हो गया है तुम्हारा 60% और कहा जा रहा है कि T1 का वैल्यू बता, तुमको एक ही सर 60% हो गया मतलब 60/100 इज इक्वल टू कहेंगे सर 1 − T2 300 केल्विन / T1 बड़ा T1 कैलकुलेट कर ले 0 0 कैंसिल है ना, ये आपको एक ही सर
300 बटा टी डैश टी वन डैश कर देते हैं इसको, 300 बटा टी डैश बराबर हो गया क्या, तो ये हो गया सर 2 3 6 2 5 10 1 माइनस 3/5 है ना। सो सर ये हो गया 300 बटा टी डैश इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा बेटा 2 2/5 मतलब टी डैश हो गया सर 5 3 15 100 / 2 मतलब 750 सर 750 कौन सा सी है ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर सी हुआ ना? 13 नंबर क्वेश्चन बेटा दो स्प्रिंग सिस्टम है, एक ये है एक दूसरा है, इसको छोड़े इसको कंप्रेस किए इसको कंप्रेस किए छोड़े फिर दोनों आया दोनों कोलाइड किए उसके बाद फिर तुम्हारा ऑक्सीलेशन हुआ टाइम पीरियड बता। इसका भी आप कहोगे के है सर इसका भी के है। तो बेटे हम एक सिस्टम में अगर हम इसको लेना चाहें तो रिड्यूस मास के रूप में हम ले सकते हैं और हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा है ना। आप कहोगे सर टाइम पीरियड कहते हैं 2π√μ/K इफेक्टिव के रूप में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आप कहोगे कि सर म्यो क्या हो गया तो रिड्यूस मास कहते हैं बेटा m1 m2 / m1 + m2 यहाँ मास सेम है तुम कहोगे m into m/2m मतलब यह हो गया सर m/2 के इफेक्टिव पैरेलल है सर यह हो गया सर हमारा क्या k+k दैट इज 2k। आप कहोगे कि सर तो टाइम पीरियड क्या हो गया तो 2π√μ हो गया सर m/2 × k इफेक्टिव क्या हो गया बेटा 2k सर इस 2 को बाहर कर दो तो यह हो गया π√μ/k सो आंसर विल बी कॉन बी है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14 सर कहता है विसिल रिवॉल्व्स इन ए सर्किल विद एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकंड। बड़ा एक विसिल एक सर्किल पर मूव कर रहा है तुमको एयर लिस्नर इधर है सर डिटेक्टर इधर है तो ये स्थिर है वीडी जीरो है सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी तभी होगा जब यह दूर जाए इधर नजदीक जाएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा आपके बारे में पूछा जा रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता तो आपको बेटा एफ डैश बराबर कहे आपने फॉर्मूला दिया है एफ डैश इक्वल टू बी माइनस बी डी तो बी डी हो गया 0/b − bs दूर जा रहा है सर b + bs कहेंगे सर सर bs क्या हो गया तो bs कहेंगे ओमेगा आर सर ओमेगा दे रहा है बेटा कितना तो ओमेगा है सर हमारा कितना है बेटा 20 रेडियन पर सेकेंड और आर दे रहे हो 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रहे हो 340 तो यह हो गया 385 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है इनटू 340/340+10 यू कैन कैलकुलेट इट इट विल कम 374 सो आंसर इज बी। Now come to question number 15.
सर 15 नंबर क्वेश्चन, सर ट्रांसवर्स वेव एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है बेटा, है ना। तो कोई भी ट्रांसवर्स वेव हम रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब 2 पाई एफ इंटू टी माइनस के एक्स, के एक्स का मतलब 2 पाई वाई लैम्डा इंटू एक्स। एक बार आपका y दिया हुआ है माइनस फाइव, आपको एक सरिया हो जाएगा 10 साइन 2 पाई इंटू 500 हर्ट्ज दिया हुआ है इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स आपका दे रहा है बेटा 100 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन दिया, एक बार प्लस 5 दे रहा है, प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया सर 10 साइन 2 पाई इंटू 500 टी माइनस, है ना, 2 पाई वाई लैम्डा इंटू कितना 100 और 100 200 सेंटीमीटर। 200 बड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको और लैम्डा का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर सोल्व कैसे करेंगे, तो ये 5/10 होगा सर, मतलब 1/2 होगा सर, 1/2 होगा सर, इसका मतलब क्या होगा -1/2 होगा सर, -1/2 होगा, इसका मतलब यह हो गया -sin π/6। कोई दिक्कत, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है सर, -π/6 मिलेगा, इतना बराबर आपको होगी -π/6 सर 2π × 500t -2π/λ इंटू 100 बराबर होना चाहिए सर -π/6 सर। यहां प्लस 5 करेंगे 5/10, है ना, आपको होगी सर 2π × 500t -2π/λ इंटू 100 आप कर रहे हो सर π/6 5/10 sin 30 का वैल्यू 1/2, है ना। बेटा आप सॉल्व कर दीजिए, आप है ना घटा दीजिए जोड़ दीजिए, लेमडा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आप कर सकते हो इसको सर, कैलकुलेशन केवल करना है। लेमडा बराबर हो गया तुम्हारा कितना, तो ये हो गया सर 2 मीटर के लगभग आएगा, मीटर में 200 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करोगे, यहाँ सेंटीमीटर है ध्यान दोगे तो आएगा 200 सेंटीमीटर, और उसको कन्वर्ट कर दोगे इसमें। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 16, कहता है इसमें एक एयर बबल है, इसका थिकनेस बताओ। अगर एक तरफ से देखते हैं तो यह कहीं और अपीयर होता है, दूसरे तरफ से देखते हैं तो कहीं यह और अपीयर होता है। तो बेटा अगर ये कहीं एयर डिस्टेंस एक्स है, तो आप कहोगे एयर डिस्टेंस होगा सर टी माइनस एक्स सर, ऊपर से देखते हैं अगर, तो डीएपी क्या होना चाहिए, तो डीएपी ऑलवेज आपने पढ़ाया म्यू वी बटा म्यू ओ डी ए सी, तो बेटा यह 5 दे रहा है तो 5 बराबर होना चाहिए सर एक्स बाई म्यू, म्यू दे रहे हो सर 1.5, सो एक्स बराबर हो गया सर 5 × 1.5 दैट इज 15×5 = 75 7.5 सेंटीमीटर सर। अगर इधर से देखें तो यह डिस्टेंस दे रहे हो सर 3 सेंटीमीटर, तो 3 बराबर कहेंगे टी माइनस एक्स अपॉन म्यू सर, टी माइनस एक्स बराबर हो गया 3 μ 3 × 1.5 सो टी माइनस एक्स, एक्स का रे सर 7.5 इज इक्वल टू 4.5 सो टी इज इक्वल टू हो गया 7 × 4 = 11 12 सेंटीमीटर आंसर विल बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, कह रहा है ए पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स वनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। बेटा
मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन्फिनिटी करना है तो बता कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो तुम कहोगे कि सर फार डिस्टेंस को इंक्रीज करना है ऑब्वियसली कनकेव मिरर यूज, कनकेव लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस का पावर निगेटिव होगा सर, है ना। सर पावर कितना होगा तो 400 सेंटीमीटर आपका फार पॉइंट है, बेटा आप कहोगे 1/ माई यह होना चाहिए सर -1/400 × 100 क्या हो गया बेटा -0.25 डायोप्टर। सो 17 का आंसर होगा आपका बेटा बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। सारा क्वेश्चन सिंपल है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन आज तक जो कुछ भी आपका एग्जाम हुआ उसमें कभी नहीं दिया गया, और इसमें अगर बच्चे आप लोग नहीं कर पाओगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये 17 का तुमने भी। अब आते हैं 18 नंबर में था बायो कन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द बेस्ट इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, रख रहे ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर, है ना सर। इमेज जो है ना फोकल लेंथ बेटा मिनिमम हमारा क्या होता है, एफ बराबर जानते हो 1/f = μ − 1/r होता है सर, इंटू बायो कन्वेक्स है 2/r हो जाएगा। अगर आप लेते हो 1/f, अगर इस म्यू को अगर रिज्यूम कर लेते हो 1.5, समझने के लिए मैं केवल दे रहा हूं तुमको, तो 1.5 - 1 3/ मतलब यह हो गया सर 1/2 × 2/r, मतलब एफ और आर बराबर होगा सर, मतलब एफ भी सर 20 सेंटीमीटर होगा। अब बेटा ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 30 सेंटीमीटर पर, है ना, तुमको एक सर एफ और 2f के बीच में रख रहे हो, इमेज हमारा मैग्निफाइड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा सर। मैग्निफाइड इमेज होगा तो 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो इनलार्ज जब भी होगा तो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। आपको ये सर 4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए क्योंकि वही सब 2 सेंटीमीटर से बड़ा है सर, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। सो आंसर विल बी बी, मनाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट परफॉर्म इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन इन एयर, पहले हम परफॉर्म किए एयर में और उसके बाद परफॉर्म किए किसी मीडियम में। तो बेटा आपको मैं बता चुका हूं कि अगर फ्रिंज विड्थ मीडियम में कर रहे हो बीटा डैश और हवा में कर रहे हो बीटा, तो दोनों के बीच रिलेशन आपको पढ़ाया है बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कहता है तुम्हारा इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, 8वां ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, तो ब्राइट फ्रिंज कह रहे हैं बेटा, मतलब तुम कहोगे सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सर वही 8β होगा। सबको ग्राफ याद होगा, मैंने ग्राफ दे करके भी सबको बताया था, समझाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1β पाला मैक्सिमा, जीरोथ मैक्सिमा के बाद पाला 1β 2β 3β 4β 5β 6β 7β 8β। तुम कहो कि सर 8β बराबर होना चाहिए कितना बेटा, पता है 5th डार्क फ्रिंज एंड 8 इसमें क्या है मीडियम में, तो 8β डैश कहोगे, है ना, मीडियम का दे रहा है 8β डैश। 5th डार्क फ्रिंज सर 1 डार्क फ्रिंज 2 डार्क फ्रिंज 3 डार्क फ्रिंज 4 डार्क फ्रिंज 5 डार्क फ्रिंज सर 1β 2β 3β 4β और β/2 मतलब 5β ए 4β प्लस β/2 मतलब 8β डैश बराबर होना चाहिए क्या,
9y2 बीटा 2n-1 5 दुना 10 में 1 गया 9 9 बटा 2 बीटा। अब बेटा 8 बीटा डैश, बीटा डैश क्या, तो बीटा वाई म्यू सर, ये होना चाहिए 9y2 बीटा। बीटा बीटा हमारा क्या कैंसिल, सो म्यू इज इक्वल टू मिला सर 16 बटा 9। सर 16 बटा 9 का मतलब हो गया 9 9 51 9 7 16 9 7 63 7 7 9 7 63 7 7 7 9 7 63 7 7 7 1.78 सर। सो आंसर इज डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछा गया, उसके बाद भी बच्चे आप बच्चे नहीं करोगे तो दिस इज नॉट गुड गुड, देन आई वॉन्ट बी हैप्पी विथ एनी वन। सर एक लाइट रे आया बेटा, ये आया, ये एंगल 90 डिग्री दे रहे हो आप, है ना। आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, आपको जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा सर। सर अगेन इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल से आएगा उतना ही डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा। सिमेट्री के आधार पर हम देख रहे हैं कि ये आएगा ऐसे तो ये जाएगा ऐसे, इसमें अगर पानी बढ़ाओ। सर एंगल मेड बाई इमरजेंट रे विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड डिविएशन, फाइनल डिविएशन। कितना बार उठाया सर, एंगल विल बी 180 डिग्री, एंसर विल बी सी। सर 22 नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेव लेंथ। सर मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेव लेंथ, डी ब्रॉगली वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच वाई पी, पी का मतलब एम बी। सर वेलोसिटी सबका सेम, तो जिसका मास ज्यादा उसका वेव लेंथ कम। सर मास जिसका ज्यादा उसका वेव लेंथ कम। सर चारों में सबसे मास कम किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा पार्टिकल, सो आंसर विल बी डी। सर इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव में आपने ये पढ़ाया था हमको, है ना, आपने हमको इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, जस्ट आपको रिवाइज मैंने करवाया फाइव नॉट या फाइव जो रूप में को। सर यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सर, सो 23 का आंसर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। सर क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कह रहा है अनदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट, है ना, एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज में एटॉमिक नंबर Z1 है, तो बेटा चार्ज प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो एटॉमिक नंबर का। आपको कहोगे कि सर जब वह न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम देते हैं सर Q1 × Q2 / 4πε₀r से। सर Q1 का मतलब होना चाहिए Z1e, Q2 का मतलब होना चाहिए Z2e। सर प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो Z1 × Z2 का, सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 50 ईयर्स, टी हाफ दिया हुआ है 50 ईयर्स। साथ में कह रहा है तुम्हारा कि एक्स एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और पाया जाता है एक्स और वाई का रेशियो 1/15, तो बेटा एक्स और वाई का रेशियो 1/15 दिया हुआ है। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, समझोगे बात को। सर अभी जो है एक्स है हमारा एन, क्योंकि एक्स ही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्स एन है बेटा, यह कन्वर्ट हुआ वाई में, तो वाई में कितना कन्वर्ट हुआ, तो शुरू में था अगर एन नॉट सर, है ना, तो यह होना चाहिए सर एन नॉट माइनस एन, और एन बटा एन नॉट माइनस एन ही आप दे रहे हो सर 1/15 है, मतलब बेटा क्या कह रहे हो आप 15 एन
बराबर है सर एन नॉट माइनस एन मतलब 16 एन इज इक्वल टू है सर एन नॉट मतलब एन बराबर क्या है तो एन नॉट बाई 16 मतलब एन नॉट बाई 2 का पावर 4 दो दुना 4 दुना 8 दुना 16 सर आपने फॉर्मूला दिया है एन बराबर एन नॉट बाई 2 टू द पावर एन सर एन कितना हो गया तो 4 हो गया तो एन हो गया सर 4 एन बराबर आपने कहा नंबर ऑफ हाफ लाइफ टी वाई टी एच 4 सो टी इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू टी एच दे रहे हो 50 दैट इज यह हो गया सर 200 इयर्स सो आंसर विल बी 200 का है पाला ही है तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज ये इतना सिंपल सब क्वेश्चन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26 सर आपने बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दिया है इधर इधर बड़ा जीनर डायोड है जो वर्क करता है वह रिवर्स बायस में वर्क करता है ना और जहां पर ब्रेक डाउन करता है उसके बाद आप कहते हो कि सर ये रीजन है तो आपको एक सर डी होगा ग्राफ के अनुसार से है ना सो आंसर विल बी डी 26 का डी 27 का अगर ये सब क्वेश्चन बच्चे गलती किए होंगे तो भाई मेरे को तो गुस्सा आएगा इतना गुस्सा आएगा कुछ करने का नहीं क्यों गुस्सा आएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है सर ने आपने पढ़ाया है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर और डेल्टा एम को जब केजी में लेंगे सर तो सी स्क्वायर ही हमारा कांस्टेंट होगा और सी का वैल्यू होता है सर 3 × 10⁻¹⁸ तो उसका स्क्वायर करेंगे सर तो यह हो जाएगा 9 × 10⁻¹⁶ सो आंसर विल बी सी बड़ा 25 नंबर के जैसा ही क्वेश्चन 28 हमने दे दिया है रिपीट हो गया है क्वेश्चन सेम टाइप का है ना हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हो गया तो मैं क्या करूं है ना अब देखो फिर वही बात मैं कह रहा हूं हाफ लाइफ दे दिया हूं कितना टी ऑफ तो 2 आवर है सर सर आप दे रहे हो क्या तो एन बटा एन नॉट माइनस एन दे रहे हो आप 1/7 सर एन बटा एन नॉट माइनस मतलब 7n बराबर हो गया सर एन नॉट माइनस एन मतलब 8n बराबर हो गया सर एन नॉट सो एन बराबर हो गया सर एन नॉट बाई 8 8 का मतलब 2 का पावर 3 मतलब स्मॉल एन हुआ सर 3 एन का मतलब टी वाई टी एच सो यह होना चाहिए सर 3 सो 3 × TH दे रहे हो सर 2 तो यह हो गया सर 6 आवर सो आंसर विल बी बी कम टू क्वेश्चन नंबर 29 सर डायोड है फॉरवर्ड बायस है रेसिस्टेंस है 100 ओम यहां का वोल्टेज दे रहे हो 3 वोल्ट सर नी वोल्टेज दे रहे हो आप 0.7 वोल्ट सर यहां का आप दे रहे हो पोटेंशियल 0 सर कहेंगे ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस सर 3 − 0.7 − 100I = 0 सो I इज इक्वल टू 2.3/100 एम्पियर इज इक्वल टू 2.3/100 × 1000 mA इज इक्वल टू 23 mA कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 एक क्वेश्चन नंबर था 29 बेटा ना
अथॉरिटी भी कई का गलती किया होगा, बेटियां भी गलती की होगी, बेटे ही नहीं, मैं जानता हूं। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कभी कोई जो है एक तो इन लोगों का टेम्परामेंट डाउन कर दिया सब कोरोना ने, है ना। ये एंगल का रहे 45, क्योंकि आइसोसेलेस्टर एंगल है सर, सर यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो बेटा ये 45 का रहे हो तो ये भी 45 होगा कि नहीं सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए है ना क्या होना चाहिए? आप कहोगे कि सर साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन थीटा सी सर 1/μ, साइन 45 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/μ, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, सो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए √2 से बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, सो आंसर विल बी बी। सो 1 से 30 तक बेटा मैंने कर दिया है ना, बाकी क्वेश्चंस दूसरे सर करेंगे आपके लिए। ओके थैंक यू टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है कि कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू अ रेजिस्टेंस आर विद टाइम कांस्टेंट टाउ, इसका मतलब हुआ आरसी जो है वो टाउ के इक्वल है, आर की वैल्यू गिवन है, अगर सी हमें नहीं पता तो हम इसको टाउ बाय आर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ओमेगा जो है वो 1/τ है, मतलब जहाँ भी टाउ होगा वहाँ पे 1/ω भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं हम इम्पिडेंस पर, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस 1/ω स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा ही हमसे पूछा गया है। अब अगर हम देखें तो ओमेगा की जगह पे अगर हम ये 1/τ पुट कर देते हैं और कैपेसिटेंस की जगह पर हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 1/ω² ओमेगा की जगह पे 1/τ लिखा जा सकता है, तो 1/τ स्क्वायर कर दिया इनटू सी स्क्वायर, तो सी की जगह पे टाउ स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, ऐसा लिख दिया हमने। तो देखो ये टाउ स्क्वायर और ये टाउ स्क्वायर हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा √2r, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास है 32 नंबर में, इसमें लिखा है रेजिस्टेंस आर ड्रॉस पावर पी फ्रेम कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो हमें पता है कि जो पावर पी होगा वो होगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पर कॉस 0 होता है क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर है वो 1 है। और उसके बाद कह रहा है कि इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस सच दैट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स जेड द पावर ड्रॉन विल बी, तो अब जो न्यू पावर पी डैश होगा वो होगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू कॉस फाई, ऐसा हो जाना चाहिए, और कॉस फाई होता है आर बाई जेड, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू आर बाई जेड, ऐसा लिख दिया हमने, और ई स्क्वायर की वैल्यू पी आर यहाँ पुट कर दो तो हमें मिलेगा पी आर डिवाइडेड बाई जेड इंटू आर डिवाइडेड बाई जेड, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 बार आर न्यूमिरेटर में 2 बार जेड डिनोमिनेटर में स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास ये ओरिएंटेशन गिवन है, ये करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये कितने एंगल से रोटेट होकर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तो देखो सबसे पहले हमें इसको डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर देना चाहिए, करंट का डायरेक्शन यू है ऐसे हम कर्ल करेंगे इधर इनवर्ट, मतलब अगर हम इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर का डायरेक्शन, और एम वेक्टर जो है वो हमेशा करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये रहा एम वेक्टर और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, तो टेंडेंसी हमेशा होती है एम वेक्टर की रोटेट होके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इसे रोटेट होके इधर जाने के लिए कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा 90 और ये प्लस थीटा, इसलिए हम जवाब दे देंगे ये 90 प्लस थीटा से रोटेट होके फाइनली इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है और एक प्रोटॉन बीम है, दोनों के में मोशन का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो अगर हम इसको प्रोटॉन बीम मान लेते हैं और इसका मोशन इधर है तो करंट भी इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर इधर ट्रैवल कर रहा होगा डेफिनेटली तो करंट उसके ऑपोजिट माना जाएगा, मतलब क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दोनों के मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन क्या है सेम। अब बिल्कुल मिड पॉइंट पर देखो मिड करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम से क्या हो जाएगा जीरो,
इस पॉइंट के इधर डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला कंडक्टर, और इस पॉइंट के इधर कौन डोमिनेट करेगा, ये वाला कंडक्टर। और हमें पता है कि इन्फिनिट स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से 1/r वाला वेरिएशन होता है। तो देखो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल यहां पहुंचोगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो बी और आर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ देखो कैसा होगा, यहां पर आर इज इक्वल टू जीरो है या एक्स जो भी गिवन है, तो यहां बिल्कुल पहुंच जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिट इन्फिनिट, और बिल्कुल बीच में एम पॉइंट पर जाके क्या हो गया, जीरो। उसके बाद ये जो कंडक्टर यहाँ है या जो दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे, इसकी वजह से डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो दोनों की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, इसकी वजह से पॉजिटिव लिया, दूसरे के वाले की वजह से नेगेटिव लिया, और बीच में क्या हो गया, जीरो। तो ये वाला ग्राफ हम ऑप्ट कर लेंगे। नंबर 35 में लिखा है कि एक बल्ब है जो अगर हम किसी पावर सप्लाई से उसको कनेक्ट करें तो वो पी पावर ड्रॉ करता है। तो इसी तरह की अगर एन बल्ब्स कनेक्ट कर दिए जाएं तो टोटल पावर कितना होगा। तो सिंगल के लिए देखो ई स्क्वायर बाई आर लिखना पड़ेगा, और नेट पावर ड्रॉन कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू नेट रेजिस्टेंस जो एन आर हो जाएगा, क्योंकि सभी सीरीज में कनेक्टेड है। अब करंट क्या होना चाहिए, ई डिवाइडेड बाई एन आर टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आई स्क्वायर हमने लिख लिया इंटू एन आर कर दिया। तो यहाँ देखो ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन आर हो जाएगा, और यहाँ से एक एन बच गया 1/n, यहाँ पे हमें ई स्क्वायर और ये आर इसको कैंसिल कर देगा आर, और ई स्क्वायर बाई आर को हम क्या लिखेंगे, पी। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी बाई एन, मतलब नेट पावर ड्रॉन जो है वो पी बाई एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है हमारे पास कि एक फिलामेंट है जिसका रेजिस्टेंस हमने 10% डिक्रीज कर दिया। तो रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट हम कैसे करेंगे, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आर इनिशियल माइनस आर फाइनल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इनटू 100 इज इक्वल टू 10 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आर इनिशियल देखो इसके डिनोमिनेटर में आके 1 हो जाएगा, फिर एक बार इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और ये 100 यहां जाके 1/10 हो जाएगा। इस पूरे टर्म को उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो आपको आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल की वैल्यू 9/10 मिलेगी, और रेसिप्रोकल कर दो आर इनिशियल बाय आर फाइनल तो ये आपको 10/9 मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पावर में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो डेल्टा पी परसेंट होना चाहिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब पी क्या होता है, ई स्क्वायर बाय आर, ई स्क्वायर तो सब में सेम है, आर फाइनल आर इनिशियल अलग अलग है, इसको पुट कर दो ई स्क्वायर बाय आर फाइनल पी फाइनल की जगह पे, ई स्क्वायर बाय आर इनिशियल पी इनिशियल की जगह पे, ई स्क्वायर बाय आर इनिशियल। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आर इनिशियल माइनस आर फाइनल डिवाइडेड बाय आर फाइनल इनटू 100 आएगा। फिर से दोनों को हमने अलग अलग किया, सिंपल सा है डेटा, और जो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल 10/9 आया था उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, सिंप्लीफाई होकर 11% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हम डाइलेक्ट्रिक में अप्लाई कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, ई, ऐसा क्लियर है। और हमें पता है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अगर फ्री स्पेस होता है तो एप्सिलॉन नॉट लिखते, मीडियम है और मीडियम की परमिटिविटी हमें डायरेक्टली गिवन है। तो सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, तो एप्सिलॉन ए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हम दे सकते हैं, ई एप्सिलॉन ए, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में सिचुएशन यही है, बस लिखा है कि ए बी सी जो प्लेट्स हैं कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स इक्वल सेपरेशन पर हैं और बाकी इनका कनेक्शन ऐसे बना हुआ है। साथ ही लिखा है ए पर प्लस क्यू चार्ज है और सी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, तो बी पर टोटल चार्ज कितना होगा। हमें पता है फेसिंग सर्फेसिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो यहाँ प्लस क्यू है तो डेफिनेटली यहाँ माइनस क्यू होगा, और यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ भी माइनस क्यू होगा। तो टोटल चार्ज के लिए हमें दोनों साइड के चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए बी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो माइनस टू क्यू हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। में लिखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जो लिक्विड से भरा है और एच हाइट नीचे जो है एक होल है जिससे वेलोसिटी वी से लिक्विड बाहर आ रहा है, और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता है 2√2gh। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है ए रो वी स्क्वायर, और वी आपको पता है ए इंटू रो, स्क्वायर करोगे तो 2gh आ जाएगा। तो सिंपली जी रो ए ये सब कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच के, तो ये वाला हम ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि रिंग जो है वो प्योर रोलिंग मोशन में है डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, फ्रिक्शन इधर लगता है, mg sin थीटा सेंटर पे लगता है, और जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो a है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, mg sin थीटा माइनस f, और यही नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस f जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg sin थीटा माइनस a। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें शायद सिर्फ एम ए गिवन है, तो हो सकता है आंसर में मिस्टेक हो, ये वाला सही आंसर है, इसको ही हम ऑप्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जो फ्री रखा है और इसके एक एंड पे हमने इंपल्स दिया आई और इसका सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू करता है। हमें पता है इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम क्या है एम वी, तो एम वी माइनस जीरो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किसके इक्वल होना चाहिए, इंपल्स जो हमें नहीं पता उसको हमने आई मान लिया। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया एम वी इज इक्वल टू आई, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर वन कह लेते हैं हम। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होगा वो कितनी वेलोसिटी से होगा, तो इंपल्स का जो एंगुलर इफेक्ट होता है उसे हम एंगुलर इंपल्स बोलते हैं और एंगुलर इंपल्स होता है आई इंटू आर परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें रोटेशन बताना है इसलिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बाई टू, तो आई मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो आई मल्टीप्लाइड बाई एल बाई टू, एल फाइनल क्या था आई ओमेगा होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होना है ओमेगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो। तो जैसे इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है वैसे ही इंपल्स का मोमेंट मतलब एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर इंपल्स क्या होगा या मोमेंट ऑफ इंपल्स क्या होगा इंपल्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एल बाई टू। आई ओमेगा से हमने एल फाइनल लिख लिया, एल इनिशियल तो जीरो ही था क्योंकि रॉड स्टेशनरी था। अब आई की वैल्यू कितनी है एम वी, उसे यहां पुट कर दो, तो हमने लिखा एम वी इंटू एल बाई टू इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और यहां से ओमेगा हमें पता चल गया 6v डिवाइडेड बाई एल, और ये एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगी, इसको हम ऑप्ट कर लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक इंसान है जिसका मास थोड़ी देर के लिए हमने एम मान लिया, और जब ये दौड़ रहा है एथलीट है ये दौड़ रहा है तो ये झुकता है आगे की तरफ, और इसके सेंटर ऑफ मास को अगर इसके फुट से कनेक्ट कर दिया जाए ये वाली जो लाइन है, तो ये लाइन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा। तो मैं एक फ्रेश डायग्राम इसी में बनाता हूँ, अगर ये फुट का पॉइंट है तो फुट पर देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो भी इसकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उस वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर वो नहीं पता उसको L मान लेते हैं, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा mg, और ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन है वर्टिकल के साथ, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा होगा पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लगा के। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक्सेलरेशन बताओ, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो mg के इक्वल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फ्रिक्शन है कितना ये तो हमें पता नहीं है, तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलो हम ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो n का टॉर्क है वो देखो ऐसा है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, जबकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो फ्रिक्शन के टॉर्क के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन के लाइन ऑफ एक्शन पर, ये वाला डिस्टेंस। अब ये एल है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के टॉर्क के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एल है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हम कहेंगे कि भाई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस थीटा, फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस थीटा, क्योंकि mg का तो टॉर्क जीरो ही हो जाएगा, तो फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस थीटा ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। अब नॉर्मल किसके इक्वल है mg के इक्वल, तो यहाँ mg पुट कर दो तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी mg, और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाएगा tan थीटा, तो फ्रिक्शन हमें पता चल गया mg tan थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स पता चलने के जस्ट बाद एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होना चाहिए f अपॉन m, और m डिनोमिनेटर में ले आओगे तो क्या मिलेगा g tan थीटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसका एक्सेलरेशन g tan थीटा होगा, यही हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि कंप्लीटली डेंस लिक्विड है जो जिसकी डेंसिटी रॉड की डेंसिटी से ज्यादा है, उसके अंदर हमने एक रॉड को वॉल से हिंज कर दिया और वॉल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो यहाँ पर हिंज का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, खैर छोड़ो, थीटा एंगल के बाद सेंटर ऑफ मास पे बाइंड फोर्स लगा सकते हैं आप, बाइंड फोर्स क्या होगा इस रॉड का वॉल्यूम वी मान लिया, डेंसिटी डी जी, और एम जी क्या हो जाएगा वी, और रॉड की डेंसिटी स्मॉल डी जी। अब देखो क्या होगा, वैसे देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट का इस जो बाइंड फोर्स है उसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ऐसे है और mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट यूं है, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते तो इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है d इज ग्रेटर देन स्मॉलर d, मतलब बाइंड फोर्स बड़ा है और mg छोटा है, तो डेफिनेटली ये रॉड ऐसे रोटेट कर जाएगा, और एकमात्र ओरिएंटेशन रॉड की ये वाली बचती है जिसमें ये हिंज पॉइंट है, तो यहां सेंटर पे ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा और नीचे mg लगेगा,
तब जाके दोनों के टॉक इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो पाएंगे और उसी पोजीशन पर वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो कुल मिला के ये जो एंगल है उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या होनी चाहिए, जीरो डिग्री। इसके अलावा किसी एंगल पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो ये हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्हील है जो रोटेट रोल कर रहा है, प्योरली रोलिंग मोशन में है और किसी मोमेंट पर पी पॉइंट है उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल डिटैच होता है। मैं पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 2v, और वही वेलोसिटी उस पार्टिकल को मिलेगी और डिटैच होने के बाद ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो फॉर्मूले में प्रोजेक्टाइल में हमने सीखा है वो होता है यू रूट टू एच बाई जी, जहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यू की जगह पे हम 2v पुट करेंगे तो 2v लिख दिया। ऑलरेडी ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। एच जो है वो 2r के बराबर हो गया, कौन सी हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, डिवाइडेड बाय जी। सारी वैल्यूज पुट करोगे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्कॉप्ट कर ले। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जहां से ए पॉइंट से एक ब्लॉक यू वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू करता है, तो इस पर फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे लगेगा और यू की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मिड पॉइंट सी है और सी पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन पर यहां से परपेंडिकुलर डालो, आर परपेंडिकुलर। तो देखो सेम प्लेन पर ऑब्जेक्ट सेम लाइन के अलोंग ट्रैवल करेगा तो आर परपेंडिकुलर तो चेंज होगा नहीं, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी आर परपेंडिकुलर। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता और यह स्मूथ सर्फेस होता तब u भी चेंज नहीं होता, तो m u r perpendicular c point का root हमेशा क्या बना रहता, constant। तो वैसे condition में angular momentum constant हो जाता, लेकिन friction होने की वजह से velocity इसकी धीरे-धीरे कम होने लगी और finally क्या हो जानी है, zero। और velocity कैसे कम होती है, time के साथ, linearly कम होती है। तो अगर हम time के साथ plot करें angular momentum को, तो initially angular momentum का जो भी magnitude होगा इसके बाद से ये कम होता जाएगा और एक point पर जाके जहां velocity zero होगी वहां angular momentum भी zero हो जाएगा।